और इसके पश्चात चौथा कौन सा होगा? सेतु बंद आसन। कौन सा होगा? हाँ, तो सेतु बंद आसन में कमर दर्द का भी लाभ है और सेतु बंद आसन में पेट का भी लाभ है। अच्छा, पांचवा आसन कौन सा होगा? नहीं, पाद अंगुष्ठ नास स्पर्श आसन लिखिए। पाद अंगुष्ठ नास स्पर्श आसन, पैर के अंगूठे से नाक को स्पर्श कराने वाला आसन। पाद अंगुष्ठ नास स्पर्श आसन। और इसके बाद शवासन तो सबके लास्ट में कर ही लेते हैं। तो अभी हमने 10 आसनों का पैकेज बताया, जरा बताओ तो 10 आसन कौन कौन से हुए? पहले 10 आसन बताओ ना, बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन, दूसरा आसन शशकासन, तीसरा वक्रासन, चौथा पांचवा योग मुद्रासन, छठा पीठ के बल लेट करके उत्तान पादासन, सातवां नौकासन, आठवां पवन मुक्तासन, दसवां तो नौवां सॉरी और फिर दसवां पाद अंगुष्ठ नासस्पर्श आसन। तो ये 10 आसन है। और थोड़ा सा समझाऊं आपको प्रक्रिया पाचन की कैसे होती है। ये पाचन की प्रक्रिया कुछ ऐसे होती है कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो मुंह में लेते हैं। पूरी प्रक्रिया में अगर आप नोटिस करोगे तो सब ये ट्राई होता है पूरे प्रोसेस में, जब अन्न हमारा उपजता है, उपजाने के पश्चात उसे प्रोसेस करने के पश्चात, कि उसे ऐसे फॉर्मेट में लाया जा सके जिससे हमारा पेट उसको आसानी से पचा सके। तो ये जो पचाने का प्रोसेस होता है ये हमारे पेट से बाहर से शुरू कर देते हैं हम, वरना कच्चा अनाज ना खा ले, कच्ची गेहूं खा ले, परंतु क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उसे हमारा पेट आसानी से पचा नहीं सकता। और कई बार तो कई कच्ची सब्जियों को भी क्यों अवॉइड किया जाता है, बोले कच्चा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। कुछ चीजों में कुछ चीजें कच्ची खाई जाती हैं तो वो बहुत अच्छी भी रहती हैं, जैसे गाजर को कच्चा खाओ तो बहुत अच्छा है, इसके साथ में खीरा कच्चा, तो खीरा तो कच्चा ही खाया जाता है। तो ऐसे लौकी भी खा सकते हैं कच्ची, कुछ लोगों को नहीं पचती है, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लाभ करती है, परंतु सूप तो लौकी का और जूस तो सबको ही लाभ करता है। खैर, बात इस बात की है कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम भोजन को इस रूप में ला सकें जिस रूप में हमारे पेट को उसे पचाने में ज्यादा पुरुषार्थ ना करना पड़े। इसीलिए जैसे ही हम अपने मुख के अंदर भोजन डालते हैं तो हमारे दांत उसको चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं, वरना हमने ये काम तो हम अपने हाथ से भी शुरू कर चुके होते हैं, वरना हम रोटी जो है वो तोड़ते क्यों है, सारी एक साथ क्यों नहीं डाल लेते? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर के रोटी को फिर दांतों के माध्यम से उसे चबा करके और छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। ये बात समझ में आई सभी के? तो मुंह में लार से मिलने के पश्चात लार का भी क्या काम होता है, उसको गिलगिला बनाना, जिससे हमारे पेट के लिए उसे और छोटे पीसेस में तोड़ना आसान हो सके। फिर जैसे ईसोफेगस में हमारी भोजन नली में हमारा भोजन आता है तो हमारे दिमाग के पास इंस्ट्रक्शन चला जाता है, भोजन आ गया तो दिमाग क्या कहता है, इधर गॉल ब्लैडर को, इधर जो है लीवर को भी इंस्ट्रक्शन देता है, और इधर हमारे पैनक्रियाज से भी कुछ कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो हमारा जो भोजन यहाँ पेट में पहुंचा उसके पश्चात कुछ एसिड्स निकलते हैं, जिसको हम अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो उसको कहा जाता है जठराग्नि, तो वो जो अग्नि प्रदीप्त होती है। और अगर आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी की भाषा में बात की जाए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से तो HCl जैसे जूसेस सिक्रीट होते हैं हमारे पेट से, और फिर वो हमारे पेट से के अंदर भोजन से मिल करके उसको और ज्यादा सॉफ्ट करते हैं ताकि हमारा भोजन छोटे छोटे पीसेस में और आसानी से टूट सके। और फिर उसके पश्चात ये प्रोसेस कितनी देर का होता है, करीबन 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक हमारा पेट इसी काम में लगा रहता है, जिसमें पहला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1 घंटे बाद तक एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, भोजन के 1 घंटे बाद तक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी नहीं करना चाहिए, भोजन के 1 घंटे बाद तक विशेष रूप से हम लोगों को ज्यादा जो है सोचना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा कार्य किया तो वो एनर्जी जो भोजन के पाचन में लगनी थी वो एनर्जी कहाँ लग जाएगी, वो एनर्जी हमारे इन सब प्रोसेस में लग जाएगी और पाचन ठीक नहीं होगा। तो ये जब पाचन होता है 4 से 6 घंटे, मतलब क्यों कहा गया 4 से 6 घंटे, इसीलिए कहा गया क्योंकि हर भोजन का पचने का अपना अलग अलग समय होता है।
और अगर आप जूस पियोगे तो आपको 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके खा लोगे तो वो भी 2.5-3 घंटे में पच जाती है। इसीलिए रोगियों को वो विशेष रूप से दी जाती है। सामान्य जो भोजन हम करते हैं वो 4 घंटे में 5 घंटे में पच जाता है, थोड़ा हमने गरिष्ठ भोजन किया तो 6 घंटे तक का समय ले लेता है। जैसे कि आज हम लोगों ने उड़द खाए हैं तो उड़द को पचने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है, राजमा को पचने में तो प्रॉपर 6 घंटे का, राजमा छोले, इसीलिए इनको अवॉइड किया जाता है कि महीने में आप इनको 2-3 बार टोटल मिला के खाओ, राजमा छोले उड़द ये जितने भी हो गए आपके, लेकिन ज्यादा खाने के लिए अवॉइड किया जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि हम लोग जब भोजन कर लें तो उसके कम से कम 6 घंटे बाद तक हम लोगों को आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिन आसनों से विशेष रूप से पेट पे प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि ये 4 से 6 घंटे भोजन यही है पेट के अंदर, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब हमारा ये पच जाएगा इधर, 6 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता भोजन हमारे पेट के अंदर, 6 घंटे के बाद तो इसको नीचे जाना है। कहाँ? छोटी आंत में। जब पेट का एक रास्ता खुलेगा तो छोटी आंत का जो मुख होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, वहां से सरक करके भोजन हमारी छोटी आंत में आ जाएगा और वहीं पर जो फैट होता है, जो घी इत्यादि तेल इत्यादि हम खाते हैं, उसको पचाने के लिए गॉल ब्लैडर एसिड भी भेज देगा ताकि हम उसको भी पचा सके, और फिर वो उतना ही पार्ट का काम है। फिर छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है? अब तक हमारा भोजन पच चुका है और इस रूप में आ चुका है कि उस भोजन के अंदर के पोषक तत्वों को हमारी आंतें ग्रहण कर सकें। उसके अंदर आपने आयरन भी है, उसके अंदर फास्फोरस भी है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं उसके अंदर, विभिन्न प्रकार के आपके पोषक तत्व हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ पोषक तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो जो हमारी आंतों की जो दीवार होती है ना, ये आंतों की दीवार को झिल्ली बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो भोजन के अंदर के पोषक तत्वों को खींचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाएंगे वो तो उसी चीज को खींचने का प्रयास करेंगे, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ खा लिया तो उसको भी खींच लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो इकट्ठे होकर के छोटी आंत से एक रास्ता निकलता है, एक नली निकलती है, उस नली से होकर के वो पोषक तत्व, भोजन का सार, वो सब इकट्ठा होकर के हमारे लीवर में पहुंच जाता है और फिर लीवर उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके जहां जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज में डालने का काम करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है और सबसे भारी और बड़ा अंग होने के साथ साथ ये लीवर हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक प्रकार के कार्यों को करने वाला अंग है और अलग अलग कार्यों को करते हुए इसकी कोशिकाएं वैसे भी बहुत मरती हैं, लेकिन इसके अंदर अपने आप में रीजनरेटिव पावर बहुत अच्छी है, ये अपने आप में रीग्रोथ करना बहुत अच्छे से जानता है। बिल्कुल आप रीग्रोथ समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में हमने छिपकली देखी होगी और छिपकली को जब डर लगता है तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है, लेकिन उसकी पूंछ फिर से वापस आ जाती है, उसके सेल्स फिर से आ जाते हैं, फिर से ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे लीवर का काट करके भी लीवर को निकाला जाए तो फिर से भी लीवर ग्रो कर जाता है। और ऐसे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में ऐसी काबिलियत होती है, जैसे कट जाए तो फिर से रिकवर हो जाता है, नसें हट जाएं, कट जाती हैं तो वो फिर से बन करके जुड़ जाती हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ करने का सामर्थ्य है शरीर के अंदर, तो ये शरीर लगातार अपने कार्यों में लगा रहता है। तो हम बात कर रहे थे कि फिर लीवर से वो पोषक तत्व जहां जिसकी आवश्यकता है लीवर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये तो सार तत्व और पोषक तत्वों की बात हुई, लेकिन जो फालतू का सामान हुआ, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिसको मल कहा जाता है, वो छोटी आंत से सरक करके बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत में पहुंचने के पश्चात उस पार्ट के अंदर जो जलीय तत्व होता है, जो तरल पदार्थ हुआ, जो पानी हुआ, उसको बड़ी आंतें सोख करके वहां से निकाल लेती हैं और जो गरिष्ठ भाग रह जाता है मल का, वो हम मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है ये बात समझने के लिए कि कोई भी भोजन मैक्सिमम अधिकतम 24 घंटे तक हमारे शरीर में रहे, उससे ज्यादा ना रहे, उससे मल के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। परंतु अगर वो नहीं निकला तो वो गैस भी बनाएगा, वो एसिडिटी भी बनाएगा, वो आंतों को सड़ा करके गला करके खराब भी करेगा, वो आपको पाइस विशेष फिस्टुला की समस्या भी देगा, बवासीर इत्यादि की समस्याएं भी उत्पन्न करेगा और फिर वो आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा,
गैस बनेगी, आप लेथार्जिक महसूस करोगे, मतलब शरीर में भारीपन महसूस होगा, उठने का मन नहीं करेगा, हाथ पैर जकड़े हुए से महसूस होंगे, ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी और आपको लगेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये आसनों का अभ्यास करना है, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है और जम के प्राणायाम करना है और हल्का हल्का खाना है जो आपका शरीर बहुत जल्दी बहुत आराम से पचा सके। जैसे जो शुगर होती है उसको पचाने में भी शरीर को ज्यादा समय लगता है, इसमें बहुत ज्यादा शुगर इंटेक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो भी खाते हो वो वैसे भी ग्लूकोज में ही बदलता है शरीर के अंदर। तो ये बात हम कर रहे थे पेट से संबंधित आसनों के संदर्भ में। तो एक बात यहाँ लिखी हुई है कि जो सभी आसन ना कर पाए, भाई कमर के दर्द हो सकता है या कोई और समस्या के कारण, अगर आप सारे आसन ना भी कर पाए तो ये 10 आसनों में से 3 से 5 आसन चयन कर ले और उन्हीं 3 से 5 आसनों को कम से कम टोटल मिला के 1 घंटा करें। जिनको पेट की अधिक समस्याएं रहती हैं, जिनको डायबिटीज की समस्या रहती है, उनके लिए यहाँ ये उपचार पद्धति में ही लिखा है, ये महाराज जी कराते भी हैं कि 1 घंटे वो अपने आसनों का पैकेज करें। अब 1 घंटे के लिए अगर बाकी आसन नहीं कर पा रहे हैं तो जो मान लीजिए आप मंडूक आसन कर पा रहे हैं तो उसी को 10-10, 15-15 मिनट करें, फिर उसके बाद शशक आसन को ज्यादा कर लें। इसी तरीके से जो कर सकते हैं वो 3 से 5 आसन ही रिपीट कर करके 1-1 घंटे तक करें ताकि आप उस समस्या से बाहर निकल सकें। और फिर इसके साथ में अगली बात क्या लिखी हुई है कि जैसे मधुमेह में या कब्ज में या फैटी लीवर आदि की समस्या में, हाँ ये फैटी लीवर भी पेट की ही समस्या है, लीवर भी क्योर होता है इन सारे आसनों से क्योंकि वो पेट के अंदर ही आता है। तो फैटी लीवर आदि की समस्या से जो पीड़ित व्यक्ति है वो मात्र मंडूक आसन, वक्रासन और पवन मुक्तासन ही कर पाता है। अब ऐसी परिस्थिति में इन्हीं आसनों को 10-10 बार आवृत्ति करके 1 घंटे तक पूरा कर लें। फिर उसके पश्चात आता है आपका अस्थमा के रोगी। हाँ, अब ये आसन करते हुए प्राणायाम भी साथ में कर सकते हैं हम लोग। तो हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जायी प्राणायाम कर सकते हैं। तो जिनको अस्थमा इत्यादि की समस्या है वे लोग कपालभाति नहीं, वे लोग आराम आराम से भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में आसनों का अभ्यास करें। इसी के साथ में अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो वो उज्जायी प्राणायाम के साथ में कर लें, और ऐसे ही किसी को पेट की समस्या है, पाचन की समस्या, तो वो बाह्य प्राणायाम के साथ कर लें। बल्कि बाह्य प्राणायाम का जो मूल बंध है उसे तो आप सारे समय लगा करके रख सकते हैं, और जब भी आप योग कर रहे हैं तब भी उससे अलग स्थान पे भी, और इसके साथ में गले की भी कोई समस्या हो तो उज्जायी प्राणायाम, और इसके साथ में बाकी सारे रोगों में कपालभाति के साथ में अभ्यास किया जा सकता है। और एक चिंतन हम लोगों को मन में रखना है। क्या चिंतन मन में रखना है? हमें ये चिंतन रखना है कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, तो क्या हूं? योगी हूं, स्वस्थ हूं। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूं। ऐसी भावना निरंतरता से बना करके रखनी है। अपने मूल स्वभाव, मूल स्वरूप में रहते हुए भगवान के जो भी नाम रूप का हम जप करते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव करें और उसी में पर ब्रह्म की अनुभूति करते हुए पूरा शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से हम लोग योग का अभ्यास करें, और इस भाव के साथ में करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। ये चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके विषय में भी कल आपको योग के समय में थोड़ा ज्यादा बताएंगे। आइए अब अगली बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको कहते हैं कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क, सियाटिका से संबंधित रोगों के लिए आसन एवं सूक्ष्म व्यायाम। ये भी बड़ी कॉमन समस्या है, कमर दर्द, स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परिभाषा से कितने लोग परिचित हैं कि क्या है सर्वाइकल और क्या है स्पॉन्डिलाइटिस? चलो एक बार इधर उठ के आओ, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपकी जो कमर है ना, इसमें 29 वर्टिब्रा होते हैं। कितने? 29। आ जाओ ऊपर आओ। कहाँ से शुरू होते हैं? आप इधर टर्न। आपके यहां तक तो ये सिर हो गया, ठीक है, खोपड़ी, और खोपड़ी जहां पूर्ण होती है उसके बाद यहाँ नीचे तक टेल बोन तक आपकी 29 वर्टिब्रा को लेते हुए आपकी पूरी की पूरी स्पाइन है कमर, और इस स्पाइन के 29 वर्टिब्रा जो है उनको भी 5 विशेष भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है उसको सर्वाइकल कहा जाता है, और सर्वाइकल के पश्चात आपका क्या रीजन आता है? थोरेसिक आता है।
थोरेसिक के बाद लुम्बर आता है, फिर सेक्रम कॉकिंग्स आता है। इनके भी अलग, इनको क्यों बांटा गया अलग अलग भागों में, क्योंकि इनके अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जैसे कि गर्दन आपकी है तो गर्दन आप पूरी झुका सकते हो यहाँ से, ये सर्वाइकल की जो आपकी जो वर्टिब्राज हैं उनके अंदर पूरा गर्दन को नीचे तक झुकाने का सामर्थ्य है, पीछे भी झुकाने का है, राइट में भी पूरा, लेफ्ट में भी पूरा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। वहीं जब आप अपने इस भाग की बात करोगे तो इस भाग के अंदर नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही इसी तरीके का होता है कि आप एक लिमिट तक उसको बेंड कर सकते हो, एक लिमिट तक राइट या लेफ्ट में आप उस भाग को बेंड कर पाते हो। तो इसलिए पूरी जो आपकी स्पाइन है, मेरुदंड है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपके जीवन के अंदर जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यहाँ तक कि जब गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण होता है तो उसके अंदर सबसे पहले स्पाइन का निर्माण होता है, और इस स्पाइन से, इस मेरुदंड से विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियां निकल करके अलग अलग अंगों से जुड़ती हैं। तो ये जो आपका भाग होता है, करीबन इतना भाग जिसमें ये 7 सर्वाइकल आती हैं, C1 से लेकर के C1, C2, C3, C4, 7 सर्वाइकल आती हैं। इन सर्वाइकल के स्ट्रक्चर में अगर कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो आपको सर्वाइकल के दर्द की समस्या आनी शुरू हो जाती है, और इसी सर्वाइकल वाले भाग से कुछ नसें जो निकलती हैं जिनको स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, अगर उन नसों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाए जो कि आपके हाथों तक जाती हैं, ये किसने लोगों को दर्द हो तो यहाँ हाथ तक दर्द होता है, उनमें कहीं जो नस निकल रही है वो कहीं दब जाए तो वो उसकी वजह से जो समस्या आती है वो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या कहलाती है। तो ये समझना है हम लोगों को कि यहाँ हमारे यहाँ से लेकर के नीचे टेल बोन तक, जहां तक रीढ़ की हड्डी है, जहां तक वो जा रही है, वो पूरे 29 भागों में विभाजित होती हुई ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, और इसके जो ऊपर वाला जो भाग है, बैठ जाइए आप जाके, धन्यवाद। तो इसका जो ऊपर वाला भाग सर्वाइकल है, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाए तो व्यक्ति को सर्वाइकल का दर्द होता है। अब आप ये सोचो, सी डिफॉर्मेशन आता कैसे है ये बताओ, रॉन्ग पोस्चर। और आज के समय में इस रॉन्ग पोस्चर का सबसे बड़ा कारण है ये फोन। क्यों? क्योंकि आपके गर्दन में ऐसे झुकने का सामर्थ्य है, लेकिन आपकी गर्दन का परफेक्ट पोस्चर क्या है? ऐसे सीधा रहना। और आप क्या कर रहे हैं? लगातार घंटों तक ऐसे देख रहे हैं। तो ये आपकी जो गर्दन है इस पे आता है प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से, ये रॉन्ग पोस्चर लॉन्ग टर्म की वजह से, लंबे समय तक रॉन्ग एक गलत पोस्चर में रहने की वजह से आपका ये सर्वाइकल डेवलप हो जाता है, और सबसे बड़ा कारण इसीलिए हम कह रहे हैं आज की डेट में दर्द का ये है आपका, जो हम लोग ऐसे बैठ करके देखते रहते हैं, और इस वजह से हमारी गर्दन दुखनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए सबसे बड़ी चीज आज हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमें फोन का कितना और कैसे प्रयोग करना है। मुझे याद है पंजाब की कहीं की बात है, पर आज से 4-5 वर्ष पुरानी बात है, कहीं एक सत्संग चल रहा था, मैंने कहा ठीक है पूछो भाई, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो। तो एक बहन ने पूछा कि मेरी बच्ची जो है वो पढ़ाई नहीं करती है, फोन में लगी रहती है, उसका कुछ बताइए। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सूझा, मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप फोन छोड़ दो, आपकी बेटी भी छोड़ देगी, मैंने तो देखा नहीं था फोन यूज करते हुए। तो बोली मेरे को पढ़ाई थोड़ी करनी है, उसको पढ़ाई करनी है वो। मैंने कहा ये बात उसको नहीं समझ में आती है, आप बड़े हो, आपको समझो, आप ही आदर्श हो, आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक फोन में लगी रहोगी आपकी बेटी भी देख करके आपको फोन में ही लगी रहेगी। इसीलिए एक नियम बनाइए, आप नियम बनाइए कि आपको कितने घंटे फोन देखना है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना घंटा। हम तो 10-10 घंटे फोन में लगे रहते हैं, हमें भी मजबूरी में कई बार लगना पड़ता है क्योंकि सारे काम इस पे होते हैं। तो लेकिन वो काम तो एक अलग चीज हो गई, फिर भी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी गर्दन सीधी रहे। सीधी रखने का ही प्रयास कीजिए अपने स्पाइन को हमेशा। लेकिन इसके अलावा घरों के अंदर जो आपके घरों में एक स्थिति आ चुकी है कि बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खा रहे, इसमें और किसी का नहीं, हमारा खुद का दोष है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? अब काफी जगह भारत के अंदर तो लोगों ने करना शुरू कर दिया है, जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे, कई लोगों ने बताया कि वो क्या करते हैं कि बोले जब हम घर आते हैं तो हम अपने फोन को एक फिक्स लोकेशन पर रख देते हैं। बोले घंटी तो है ही ना, जैसे पहले अपने लैंडलाइन बजते थे तो जिसको फोन करना होगा वो करेगा, जाके उठा करके बोले थोड़ी देर बाद की, फिर रख करके आ गए, और फिर उसके पश्चात जो है
अगर करना है फोन तो गए जा करके करके आ गए, लेकिन फोन को अपने पास नहीं रखना है। हालांकि हमें यह भी पता है इसकी वाइब्रेशन जो है हमारे ब्रेन के लिए काफी हार्मफुल है, इसलिए फोन को पास में रख के नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग तो हृदय के पास में रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग अपने तकिए के पास रख करके सो जाते हैं, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सही तरीका क्या है? और हाँ, विशेष रूप से बहुत ज्यादा फोन को कान पे भी नहीं लगा करके रखना चाहिए। घंटों घंटों तक फोन पे बात करते रहते हैं, फोन गर्म होता रहता है, तो यहाँ की जो नसें हैं हमारी वो डैमेज होती रहती हैं। अपने शरीर को डैमेज होने से बचाने के लिए एक नियम बना लीजिए कि मुझे दिन का टोटल कितना घंटा फोन यूज करना है, उससे ज्यादा मत कीजिए। और इसके साथ में उसको सही तरह से, जैसे सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग तो कोशिश ये करते हैं, मैक्सिमम टाइम में कोशिश करती हूँ कि स्पीकर पे बात हो ताकि कान पे कम से कम लगे। और अगर स्पीकर पे कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें सारी दुनिया को सुनानी नहीं होती, तो आप वैसे भी कान पर बात कम ही करोगे, तो ये करना पड़ेगा। दूसरा एक कारण क्या होता है, ये सर्वाइकल की समस्या का तकिया। हमें समझ ही नहीं आता कि हमें तकिया लेना कितना है, कितना कुशन ले गर्दन के नीचे। अगर आप सीधे लेटे हुए हैं और आपने ज्यादा कुशन ले लिया तो आपकी गर्दन ऐसी रहेगी, रात भर दर्द हो जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल नहीं लिया तो आपकी गर्दन ऐसी रहेगी, वो भी लंबे समय तक डिस्टर्ब पोस्चर है, उसमें दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए कितना लेना चाहिए, इतना लो तकिया कि आपकी गर्दन आपकी स्पाइन की सीध में रहे। हाँ, पतला लो पर लो। अब अगर मान लीजिए आप करवट से सो रहे हैं, तो अब मान लीजिए मैं दाएं तरफ बाएं तरफ से सो रही हूं, और अगर मैंने तकिया नहीं लिया तो मेरी गर्दन यूं गिर जाएगी, मैंने मोटा तकिया ले लिया तो मेरी गर्दन यूं हो जाएगी, दोनों लंबे। फिर अगले दिन पता चला मेरी गर्दन ऐसी है, फिर मुझे वो उससे सूक्ष्म आयाम से ठीक करनी पड़ेगी। और कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होता तो 10-15 दिन तक दर्द लेकर के घूमते रहते हैं। तो इसका भी क्या समाधान है कि आप बस एक नियम याद रख लो कि जैसे खड़े होकर के आपकी गर्दन रहती है, वैसे ही सोते समय, वैसे ही बैठते समय भी आपकी गर्दन रहनी चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही अवॉइड कर पाओगे। दूसरा, कमर दर्द में होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसीज का होना। इसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ये रोल प्ले कर सकती है, विटामिन B12 की कमी भी ये रोल प्ले कर सकती है। कई बार तो विटामिन B12 की कमी के कारण ये जो नसें आपकी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ नीचे बिल्कुल निचले भाग से पैरों में जाती हैं, उनमें झुंझुनाहट सी होने लगती है, और उनमें झुंझुनाहट होने की वजह से पैरों में बेचैनी रहनी शुरू हो जाती है। तुरंत चेक कराइए कहीं विटामिन B12 कम तो नहीं है, और कम है तो पतंजलि का B12 का कैप्सूल लो। इसके अलावा जो न्यूट्रेला का आता है, इसके अलावा दूध पियो, दही, छाछ, और भी बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका अंकुरित मूंग चना। मूंग में, उसमें भी मूंग, जो अंकुरित मूंग होता है वो विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसी चीजों का सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, और बाकी हम भोजन इत्यादि से संबंधित बातें आने वाले सत्रों में करेंगे, सुबह के योग सत्र में भी करेंगे। तो ये एक, हाँ, एक समस्या आती है स्पॉन्डिलाइटिस की और सर्वाइकल की, ये तो बता दी। कमर दर्द हुआ, कमर दर्द में भी रॉन्ग पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और एक तीसरा कारण होता है बेड, जो हमारा गद्दा है वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी हार्ड, बिल्कुल हार्ड सरफेस पे सोएं, वरना क्या होता है कि आपका शरीर ऐसे लटक जाता है। तो जो आपकी कमर है वो ऐसे अगर मान लीजिए वजन से बेड पे नीचे लटकेगा, तो कमर में ऐसे जो कि ऐसे आना चाहिए वो कर्व आ जाता है, तो वो कर्व की वजह से क्या होगा, दर्द रहना शुरू हो जाएगा। और स्लिप डिस्क की समस्या का कारण भी यही है, लंबे समय तक किसी गलत पोस्चर में टिके रहना, वो अक्सर स्लिप डिस्क का कारण बनता है। और है क्या स्लिप डिस्क? ये जो वर्टिब्राज होती है ना, ये आपस में मूव कर सकें ऊपर से नीचे तक, जो आपस में जुड़ी होती हैं, तो उनके बीच में एक छोटा सा, मतलब बहुत पतला सा कुशन सा होता है, एक डिस्क जिसको कहा जाता है, बहुत पतली कुशन होती है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां हिल पाती हैं। अगर वो ना हो तो फिर वो सॉफ्टनेस नहीं होगी हड्डियों में। तो जैसे एक तरह से कह सकते हो ना कि जैसे दरवाजे के बीच में वो ग्रीस काम करता है ना, ऐसे ही ग्रीस जैसा काम करती है ये। लेकिन क्या होता है, गलत पोस्चर की वजह से कभी कभी ये अपने स्थान से छोड़ करके बाहर आ जाती है, और जब ये बाहर आ जाती है तो इससे निकलने वाली जो नसें हैं वो दबनी शुरू हो जाती हैं, और उन पे दबाव पड़ने की वजह से हमें दर्द अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? वही कि हमें पोस्चर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ में जो आसन है वो हम ये भी आसनों की भी बात करेंगे,
और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं सियाटिका, ये सियाटिका का जो दर्द होता है ये आपका यहाँ कमर से शुरू होकर के पूरे पैर तक जो नीचे तक जाता है ये सियाटिका का दर्द होता है। ये भी यही है कि आपकी जो यहाँ पर ये स्पाइन से निकलने वाली एक सियाटिका, एक नर्व होती है, एक नस होती है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में आती है, ये यहाँ से निकल के नीचे पैर तक जाती है। तो अगर इस पे गलत पोस्चर की वजह से इस नस पे शुरुआत में ही कोई दबाव पड़ना शुरू हो जाए तो ये नस दर्द करना शुरू कर देती है और आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका भी क्या समाधान है? सही पोस्चर। और सियाटिका के दर्द में तो एक बहुत अच्छा समाधान है वज्रासन में बैठना।